कैसे हैं आप सब लोग। मैं भी ठीक हूँ, उम्मीद है आप सब भी ठीक ठाक होंगे। और आज हम बनाने लगे हैं कीमा करेले, चिकन कीमा करेले। ये मैंने करेले छील के नमक लगा के धो के रख लिए हैं। कीमा और एक अदद प्याज चॉप करके रख ली है, और ये कटिंग करके दो ढाई प्याज रख ली है मैंने। ये मैं एक कप तेल शामिल करने लगी हूँ इसमें, कढ़ाई में, और मैं ये अब प्याज डाल दूँगी। प्याज अच्छे से ब्राउन हो जाए फिर हम बाकी काम करेंगे। करेले जो हैं ये हमारे गर्मियों की सौगात है, बहुत लजीज बनते हैं और अच्छे से बनाए जाएं तो बिल्कुल कड़वाहट महसूस नहीं होती। और मैं चिकन क्यूब्स, वो टमाटर क्यूब्स बना के रख लेती हूँ, मेरे बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। मैं किसी वक्त वीडियो में लाजमी शेयर करूँगी आप लोगों से। फिर ये अच्छे से प्याज ब्राउन हो जाए, साथ साथ मैं अपने दूसरे काम भी निपटा रही हूँ, आटा गूंद रही हूँ, बर्तन किचन के धो रही हूँ साथ साथ, और ये सब काम तो चलते ही रहते हैं, साथ साथ खाना भी बनता रहता है। किचन में बहुत सारे काम होते हैं जो साथ साथ होते रहते हैं। ये मेरी अच्छे से प्याज ब्राउन हो जाए फिर हम बाकी सब कुछ ऐड करेंगे। मेरी प्याज ब्राउन हो गई, मैं इसे अब ये निकाल लूँगी। मेरे इस तरीके से आप लोग कीमा करेले की रेसिपी बनाइएगा, बिल्कुल कड़वाहट महसूस नहीं होगी। उसी तेल में मैंने करेले शामिल कर दिए हैं, अच्छे से इन्हें भी प्याज की तरह ब्राउन कर लूँगी, फ्राई करूँगी अच्छे से, और फिर बाकी सब कुछ मसाले ऐड करूँगी मैं। ये देखिए कलर चेंज हो रहा है इनका, थोड़ा सा और चेंज हो जाए फिर इसे भी मैं निकाल लूँगी। हमें गर्म सीज़न के मुताबिक ज़रूर सब्ज़ी फ्रूट वगैरह खाना चाहिए, उनका टेस्ट अलग ही होता है। ये अच्छे से ब्राउन हो रही है करेले, और थोड़ा सा और ज़रा सा हो जाए ब्राउन ताकि इनकी कड़वाहट बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये अच्छे से धुले हुए हों और अच्छे से फ्राई हों तो ये बिल्कुल कड़वे महसूस नहीं होते, पता भी नहीं चलता कीमे में करेले हैं या प्याज कीमा प्याज बनाया हुआ है। अच्छे से फ्राई हो गए, अब मैं इन्हें निकाल लूँगी, थोड़ा सा और ब्राउन करते हैं का कच्चापन बिल्कुल ना हो, ज़रा से ये कच्चे कच्चे हों तो फिर इनकी कड़वाहट महसूस होती है, अच्छे से करे हों तो फिर बिल्कुल महसूस नहीं होती कड़वाहट इनकी। ये अब मैं निकालने लगी हूँ, अच्छे से निकाल लेंगे हम इसे, सारी करेलों को निकाल लेंगे, और फिर इसी तेल में हम गरम मसाला ऐड करेंगे। मैंने तेज़पत्ता, दालचीनी, लौंग, ज़ीरा, एक अदद बड़ी इलायची डाल के फ्राई कर लिया है, ज़रा सा कड़कड़ा लिया है मसाले को, और फिर इसमें मैं आधा किलो कीमा और एक अदद प्याज चॉप करके मैंने रख ली थी, और मैं इसे शामिल कर रही हूँ। अच्छे से कीमे की वो स्मेल ख़त्म हो जाए चिकन की, अच्छे से भुन जाए। मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट इस वक्त ख़त्म हुआ हुआ था, मैंने पाउडर डाल दिया, एक मिक्स करके एक टेबल स्पून अदरक जिंजर गार्लिक पेस्ट पाउडर डाल दिया मैंने, और मैंने अब ये प्याज शामिल कर दिया ब्राउन की हुई जो थी। कीमे की स्मेल ख़त्म हो गई, प्याज इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें मैं गरम मसाले ऐड करूँगी, 1.5 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। थोड़े से इंग्रेडिएंट से ही बहुत अच्छा, बहुत लजीज डिश तैयार होती है। और एक हमारी ये गर्मियों की सौगात है करेले, ज़रूर सीज़न वाइज खाने चाहिए हमें। ये टमाटर क्यूब्स 7 से 8 अदद मैंने निकाल लिए थे फ्रीज़र से, ये मैंने शामिल कर दिए, अच्छे से भुनाई करी, खूब से मैंने मसाले की कीमे की स्मेल ख़त्म हो गई। फिर इसमें मैं करेले शामिल कर दूंगी जो मैंने निकाल लिए थे, 1 किलो करेले थे मेरे, 1/2 किलो चिकन का कीमा था। अच्छे से मैंने ये भून लिया, साथ साथ किचन के काम भी चल रहे हैं। इसमें मैंने अदरक,
काट के हरा धनिया, हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। इसे अब मैं डिश आउट कर लूँगी। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की लजीज डिश तैयार हुई है ये। आप इस रेसिपी से बनाइएगा, बहुत मज़े की बनेगी, बिल्कुल कड़वाहट महसूस नहीं होगी। और मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। अल्लाह हाफिज़। खुश रहें और सब